हेलो गाइस, आपको स्वागत है मेरा और एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा तबीयत अच्छा नहीं है बोल के मैं थोड़ा मेडिकल जा रहा हूँ, और मेरे को क्या हुआ है क्या नहीं मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी पहले हम मेडिकल में जाएंगे, उसके बाद ब्लड टेस्ट नहीं तो वो डॉक्टर क्या बोलेंगे देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हो मैं मेरा गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मेरा बाइक लेके, और ये मेरा मोटो ब्लॉगिंग के लिए मेरा हेलमेट भी लेके जा रहा हूँ, और मोटो ब्लॉग सेटअप भी कर लिया। तो अभी हम मेडिकल जाएंगे दोस्तों, और वहाँ जाके डॉक्टर को दिखाएंगे क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग बने रहिए आगे ब्लॉग में, ठीक है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो मैं जा रहा हूँ अभी सिस्टी का ऊपर से मैं जा रहा हूँ, और आपको सिस्टी मतलब मैं अभी सिस्टी में जा रहा हूँ सिस्टी का स्पीड से, और आप लोगों को मेरा ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है प्लीज़ आप लोग मेरे को बताना। इसका वीडियो क्वालिटी तो सही आएगा, लेकिन इसका जो ऑडियो क्वालिटी है ये सिस्टी का स्पीड से और आगे से वाइंड भी आ रहा है दोस्तों, और बहुत नॉइस आ रहा है। और आप लोगों को मेरा ऑडियो क्वालिटी आप लोगों के पास पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है प्लीज़ मेरे को बताना। और ये तो मैं गया 60 का ऊपर से, ठीक है, और अभी हम जाएंगे 20 का ऊपर से, और नहीं अभी गाइस मैं जा रहा हूँ 40 में। देखो आप लोग देख सकते हो मैं अभी 40 में जा रहा हूँ, और ये 40 का स्पीड से जाने से आप लोगों को ऑडियो क्वालिटी कैसा देखने के लिए मिल रहा है। और ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 60 से बेटर दन निकल के देगा 40 से, अगर तुम 40 का स्पीड से जाओगे तो ऑडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि गाड़ी का स्पीड भी कम हो जाता है, उसके बाद इसका जो वाइंड है ना वाइंड भी ठीक से नहीं आता है हवा, और अगर हवा जब स्पीड में जाओगे तो हवा क्या है ना हेलमेट के अंदर घुस जाता है, उसके बाद माइक्रोफोन में भी थोड़ा हवा लगता है, इसीलिए मेरा वॉइस क्वालिटी ठीक से नहीं आता, ठीक है। इसलिए दोस्तों जितना स्लो जाने से उतना ही वॉइस क्वालिटी अच्छा देखने के लिए मिलेगा, और जब अगर हम ज़्यादा स्पीड में जाएंगे तो इसका वॉइस क्वालिटी उतना ही घटिया मिलता है। सो गाइस, अभी हम हमारा रामनागुड़ा का मेडिकल में पहुंच गए दोस्तों, ठीक है, और थोड़ा सा बाकी है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये है हमारा रामनगुड़ा का मेडिकल, और हम लोग अभी फाइनली पहुंच गए, अभी थोड़ा यहाँ गाड़ी खड़ा कर लेंगे। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो मैं अभी रामनगुड़ा मेडिकल में पहुंच चुका हूँ, और यहाँ खड़ा कर दिया मेरा बाइक, और मेरा हेलमेट को लेके जाता हूँ। मैं सोच रहा था यहाँ हेलमेट रख के जाऊँगा, इधर एयरपोर्ट है दोस्तों, अगर ये इसको अगर कोई ले जाएगा तो 2000 का नुकसान हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हो ये हमारा रामनगुड़ा मेडिकल देखने में कुछ ऐसा दिखता है। और हम लोगों को वहाँ से भी एंट्री करने के लिए जगह है, लेकिन हम यहाँ से एंट्री करेंगे। और यहाँ पे भी एक डॉक्टर है। तो गाइस, अभी मैं मेडिकल्स में अभी घर में आ चुका हूँ, और ये आप लोग देख सकते हो ये है मेरा रिपोर्ट है, ठीक है। और मैं मेडिकल में वीडियो बना रहा था, लेकिन उधर को जो डॉक्टर है ना वो मेरे को मना कर दिया, नहीं तुम इधर वीडियो नहीं बना सकते बोल के, इसलिए गाइस मैं मतलब वो मेडिकल में मैं वीडियो नहीं बना पाया। और आप लोग देख सकते हो
ये मेरा रिपोर्ट है, और उसके बाद ये है दोस्तों मेरा मेडिसिन। ये देखो मेडिसिन दिया हुआ है इसको खाली खाली पेट में खाने के लिए, और ये दिन में और रात में खाने के बाद। आप लोग देख सकते हो ये है मेरा रिपोर्ट है, ठीक है। और मेरे को हुआ ये है कि मैं नाइट में क्या है ना 9 बजे से 11:30 बजे तक मैं ऐसा ही बैठ के गेम खेल रहा था, बोल के थोड़ा सर्दी हो गया दोस्तों और ठंडा हो गया है, ऐसे थोड़ा सर्दी की वजह से भूखा रहने जैसा लग रहा है, इसलिए मैं गया था मेडिकल में। और अभी तो आ गया मेरा मेडिसिन, अब इसको खाएंगे उसके बाद देखेंगे ये ठीक होगा कि नहीं होगा, नहीं तो और अगली ब्लॉग में हम बोल देंगे कि वो मेडिसिन खाने के बाद मैं ठीक हुआ कि नहीं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में।